इतने बहुत ही ज्यादा देखना लैम्बो वगैरह लेके घूम रहे हैं यार बंदे, क्या ही पैसे लगा रहे हैं यार। और देखना भाई क्या ही चला रहा है गाड़ी को। तो रुको रुको, भाग गई भाई, भाग 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 भाई। GTR क्या ही लग रही है, पहली बार मैंने GTR देखी है इस गेम में। फुल कार्बन फाइबर बॉडी लगा रखी है बंदे ने, क्या लग रही है, मजाक से हट गए भाई, क्या ओपी लग रही है। चल पा रही कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका एक और गेम प्ले वीडियो में। और आज के वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं नीड फॉर स्पीड मोबाइल। और गाइस इस गेम में ऐड हुई हाल ही में एक नई कार जिसको आज हम देखने वाले जो कि बहुत ही ज्यादा ओपी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना भाई, बहुत मजा आने वाला है। और भाई कुछ रेसेस वगैरह भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन सबसे पहले जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठते हैं भाई। यहाँ पे क्या ही प्यारी लगते हैं, और यहाँ पे भाई पीछे तो पूरा का पूरा मेला सा लगा है कार्स का। कितनी सारी कार्स है, मजाक से हट गए भाई, सबकी सब कार यहाँ पर दिख जाएंगी, मस्टैंग वगैरह। भाई इसमें मेरे को बस GTR अभी तक नहीं देखी है, GTR देखनी है यार, मजाक से हट के। GTR है गेम में बट पता नहीं अभी तक मेरे को दिखी नहीं है, पूरे गेम में मैंने ढूंढ के रख दी बट फिर भी GTR दिखी नहीं है। बट हाँ GTR देखेंगे भाई। अभी मैं यहाँ पे लोटस को चला रहा हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत दिनों से इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ, जब से निकली है तब से भाई इसी को यूज़ कर रहा हूँ। बस थोड़ा सा एक रेट है भाई ये इलेक्ट्रिक है, इस वजह से साउंड वगैरह की थोड़ी दिक्कत है, साउंड इतना ज़्यादा खतरनाक ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी स्पीड वाइज मतलब ठीक है यार गाड़ी, मज़ा आता है इसको चलाने में लुक्स वाइज स्पीड वाइज। बट गाइस अभी मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को कुछ डायमंड्स ग्राइंड करने हैं, क्योंकि भाई डायमंड से ही मैं उस कार की क्रेट ओपनिंग कर पाऊंगा, विदाउट डायमंड मुझे पैसे लगाने पड़ेंगे। और भाई अभी ग्लोबल वर्जन है नहीं तो पैसे लगाने का कोई फायदा है नहीं, बात तो सही है। और अगर आप लोगों को नहीं पता हो डायमंड से क्रेट ओपनिंग कैसे करनी, तो वो भी मैं आप लोगों को आज की वीडियो में दिखाई दूंगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है। बट हाँ यहाँ पर भाई बंदे बहुत ही ज़्यादा देखना लैम्बो वगैरह लेके घूम रहे हैं यार बंदे, क्या ही पैसे लगा रहे हैं यार। और देखना भाई क्या ही चला रहा है गाड़ी को। तो रुको रुको, भाग गई भाई, भाग 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 भाग। यार बहुत फास्ट है यार सच में यार, देख कहाँ भाग गई भाई वो, हैं इतनी जल्दी। रुको रुको अंदर गई है शायद से भाई, बहुत फास्ट थी। वेट वेट अंदर जाना पड़ेगा मुझे, अंदर मुझे बहुत कार्स दिख रही हैं, यहीं कहीं होनी चाहिए, हाँ वो रही भाई। क्या ही लग रही है यार इसके लिए, हम वो देखना निर्लज्ज तो फिर आ गया तो है, यही तो गाड़ी है भाई। अरे रुक 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 रुक, कहाँ जा रही है भाई यार, इस गेम का सीन ना मेरे को यही तो बुरा लगता है। बट वेट कहाँ गई वो गाड़ी भाई, अबे अभी तो यही खड़ी थी। आजाद आजाद, इतनी खुशी मुझे। ओ GTR, वेट वेट वेट, अरे यार उतर भी तो नहीं सकता हूँ मैं, रुको मैं इसको मैनुअल कर लूँ पहले। अरे इस गेम की दिक्कत यही तो भाई, GTR क्या ही लग रही है भाई साहब, पहली बार मैंने GTR देखी है इस गेम में, और भाई बहुत ओपी लग रही है यार, मेरे को मिल जाए मज़ा ही आ जाएगा भाई, मस्त लग रही है बहुत। अरे भाई भाई ये क्या गुंडा कर दी, चल लिए खुले हम भाई, GTR वाले को क्या ही टक्कर दी थी उसने, मेरे सामने से निकल गया। लेकिन भाई देख सकते हो और क्या ही खतरनाक लग रही है, गॉडज़िला बिल्कुल भाई, इसने कलर वलर भी एकदम अच्छा खासा करवा रखा है। ओके यहाँ पर, ओ भाई कार्बन फाइबर, अरे कहाँ गई भाई, फुल कार्बन फाइबर बॉडी लगा रखी है बंदे ने, क्या लग रही है, मजाक से हट गए भाई, क्या ओपी लग रही है भाई, ऐसी तो मेरे को चाहिए यार, मजाक से कहाँ से मिलती है यार ये GTR का तो मेरे को कोई आइडिया भी नहीं है कहाँ से निकाली होगी इसने, शायद से क्रेट्स में ये है, आई डोंट नो यार, ऐसी ऐसी कार्स तो देते नहीं है यार ये क्रेट्स में, कुछ कुछ कार्स ही अच्छी दे देते हैं, गायब हो गई बट हाँ कुछ कुछ कार्स ही अच्छी दे देते हैं, हाँ मतलब भाई कुछ कुछ कार्स हैं जो कि इन लोगों ने क्रेट में दे रखी हैं जो कि अच्छी खासी निकल जाती है, बट कुछ कुछ कार्स तो बेकार निकलते हैं, फिर उसके बाद भाई वही रिपीट होने लगता है कोई भी अच्छी कार निकलनी हो। यहाँ पे क्या पंचायत लग रही है भाई गाड़ियों की, और यहाँ पे SVJ भी देख सकते हो भाई, क्या कूल लग रही है। बट यहाँ पे पंचायत जुड़ी हुई थी तो मैं भी यहाँ पे आ गया देखने, एज अ इंडियन भाई जहाँ भीड़ लगेगी, जहाँ पंचायत शुरू हो जाती है भाई इंडियन की भीड़ लगना तो भाई कंपलसरी है, तो एज अ इंडियन भाई मैं भी देखने आ गया क्या हो रहा है। बट भाई यहाँ पे यार सारी गाड़ियाँ गायब क्यों हो जाती है यार, मैं जैसे ही आता हूँ गाड़ियाँ गायब हो जाती हैं, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ गाड़ियाँ गायब हो जाती हैं। और यहाँ पे देखो भाई थार लवर्स, यहाँ पे थार घूम रही है देख सकते हो आप लोग, थार लवर्स असेंबल हो जाओ। यहाँ पे भाई क्या लग रही है, मतलब यार गेम में खतरनाक ही कार्स है, और थार वगैरह जैसी गाड़ी तो भाई NPC है इसमें, भाई मजाक से हट के गेम खेलते खेलते बोर नहीं होते, ओपन वर्ल्ड में भी घूमते रहो तो मज़ेदार चीज़ें दिखती रहती है गेम में। और अभी तक तो भाई इसका पूरा मैप मैंने एक्सप्लोर भी नहीं किया भाई, आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे पूरा मैप एक्सप्लोर करो भाई, टाइम नहीं मिल पाता, करने को तो करूँ बट टाइम नहीं मिल पाता, देखता हूँ मैं कितना एक्सप्लोर मैंने कर लिया है भाई, लगभग मैंने पूरा कर तो लिया है यार, हाँ लगभग मैंने पूरा कर लिया है, बट एरियाज मुझे अभी याद नहीं है,
बट हाँ अभी बहुत कुछ करना बाकी है यार। अभी तो मैंने ये रेस कंप्लीट नहीं किया, इसके बाद फिर एस वाली रेस खुलेगी, ये रही, और उसके बाद फाइनल ये ए क्लास वाली रेसेस खुलेंगी। तो अभी तो बहुत कुछ करना है भाई। अभी तो भाई बहुत ही कब खेला, और मैंने भाई इसका अपडेट भी देखा, बहुत जल्दी बाइक्स वगैरह आने वाली हैं जो कि चाइनीज़ वर्जन में आ चुकी हैं, और इसमें भी जल्दी आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। बट हाँ अभी भाई हमको दिखी थी भाई न्यू वाली गाड़ी, पता नहीं अचानक से गायब भी हो गई। और यहाँ पर देखो भाई एक और लैम्बोर्गिनी, भाई लैम्बो तो भाई बहुत बंदों ने निकाल लिया, मजाक से हट गई। ये कार तो सबसे ज़्यादा दिख रही है मेरे को अभी के टाइम पे, बट भाई पोर्शे मुझे बस एक ही बार दिखी। आई गेस भाई बहुत बंदों ने निकाल लिया, एक बार घर जाकर देखता हूँ, घर पे दिख जाएगी 100% दिखेगी, क्योंकि वहीं पे सारी गाड़ियाँ शुरुआत में स्पॉन होती हैं, तो वहाँ पे बंदों ने निकाली होगी तो एक ना एक तो वहाँ पे आएगा ही आएगा। तो घर जाकर देखता हूँ, फिर अपन भी क्रेट ओपनिंग कर देखेंगे मेरे पास जितने भी डायमंड्स होंगे उससे। ओह भाई दिख गई भाई, मैंने बोला ही था, और यहाँ पे सामने ही दिख गई भाई मजाक से। और यहाँ पे GTR भी है क्या? वेट यार, इतनी सारी कार्स घुसी हुई है, नहीं GTR नहीं है, पता भी नहीं चलता। बट हाँ यहाँ पर देख सकते हो भाई नई Porsche, भाई क्या ही OP लग रही है यार देखने से, मजाक से। अभी इसके फीचर्स भी दिखाऊंगा, मतलब नाइट्रो वगैरह सब कुछ देखेंगे अंदर जाके लॉबी में जाके। मज़ेदार है यार ये कार भी, अगर आप लोगों ने DZO खेला होगा तो आप लोगों को पता होगा भाई कितने OP कार है। पर भाई बंदे ने यहाँ पर लगा रखी है भाई, ना चला। ओ भाई यहाँ पे पगानी भी है भाई, दोनों की दोनों गाड़ियाँ एक साथ दिख गई भाई साहब। ये दोनों गाड़ियाँ भाई क्या ही बोलूँ, क्रेट ओपनिंग में बहुत महंगी, और बंदे निकाल कर बैठे हैं, और पगानी तो चली गई। बट हाँ भाई बंदा यहाँ पे देखो कैसे खड़ा है भाई, ना चला रहा है ना कुछ, बस लेके खड़ा है भाई, फ्लैक्स कर रहा है बंदा, मजाक से हट गया भाई, फ्लैक्स कर रहा है बंदा, खुला फ्लैक्स। और भाई मैं सरप्राइज भी नहीं हूँगा, अगर मैं अंदर से जाके दोबारा से आके देखो तो ये यहीं पे खड़ा हो, क्योंकि भाई कुछ कुछ बंदे होते हैं जो उसमें बहुत फ्लैक्स करते हैं। जब न्यू लैम्बो आई थी तो बंदे भी भाई यहाँ पे ले लेके घंटों घंटों खड़े थे भाई, बस लैम्बो फ्लैक्स करने के लिए, ना चला रहे ना कुछ, बस फ्लैक्स करना है, गाड़ी निकाल के फ्लैक्स करना है भाई। और यहाँ पे GTR भी आ चुकी है, देखो देखो भाई दोनों की दोनों गाड़ियाँ कितना चिपक के खड़ी हैं, लैम्बो और GTR। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? खैर कोई नहीं, इन दोनों गाड़ियों को भाई छोड़ते हैं, थोड़ा प्राइवेसी इंजॉय करने देते हैं दोनों को, ऐसे घूर के देखेंगे तो प्राइवेसी खराब होगी ना, तो इसी वजह से। बट हाँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तो ये वाली नई कार है, और अभी मैं आप लोगों को अंदर ले जाकर भी दिखाता हूँ, अपनी गैराज में भी दिखाता हूँ भाई, क्या ही OP गाड़ी है, सारे फीचर्स दिखाता हूँ, और फिर क्रेट ओपनिंग करके देखेंगे यहाँ पे व्हाट भाई मेरे डायमंड्स इतने कम। अबे यार भाई मैं तो सोच रहा था क्रेट ओपनिंग करूंगा, अब तो भाई मेरे को बहुत ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ेगा, डायमंड्स कमाने पड़ेंगे तब जाके क्रेट ओपनिंग कर पाऊंगा। बट हाँ यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं Porsche, भाई देखो यहाँ पे क्या OP लग रही है देखने के लिए, सिनेमैटिक्स वगैरह सब कुछ देख सकते हो भाई, बहुत फास्ट कार है यार। अगर आप लोगों ने DZO खेला होगा तो आप लोगों को पता होगा भाई ये कार कितनी फास्ट है। बट यार मेरे पास तो डायमंड्स ही खत्म हो चुके हैं यार, बस 555 है, और मेरे को 1500 डायमंड चाहिए सिर्फ 10 स्पिन करने के लिए। बताओ 10 स्पिन में थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, मेरे को बहुत ग्राइंड करना पड़ेगा यार डायमंड्स के लिए। और गाइस अगर आप लोग नहीं जानते हो तो यहाँ से जाके ये सारे मिशन आप लोग करना, आप लोग इजीली डायमंड ग्राइंड कर पाओगे, और बाकी के मिशंस भी करके डायमंड्स मिल जाते हैं भाई। गेम में डायमंड तो बहुत अच्छे से और इजीली ग्राइंड हो जाते हैं, उनका तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, डायमंड ग्राइंड करना आप भी क्रेट ओपनिंग वगैरह कर पाओगे। अरे यार मैं तो सोच रहा था यार क्रेट ओपनिंग करेंगे बट डायमंड्स तो कम पड़ गए, मुझे लगा था भाई ये वीडियो में ही क्रेट ओपनिंग कर, भाई 3 डायमंड मेरे वैसे खत्म कब हुए मेरे को तो पता भी नहीं है। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये Porsche कैसी है भाई, खतरनाक। अभी वेट अ सेकंड, ढूंढनी पड़ेगी Porsche, हाँ ये रही भाई, एस क्लास में लगी हुई है भाई, क्या ही OP लग रही है, देखो भाई लुक्स ही देखो यार इसके, मजाक से हट गए यार। और रुको यहाँ पे स्पॉइलर भी ऊपर जाता है भाई साहब, क्या ही खतरनाक। रुको लाइट्स ऑन करते हैं, और गेट, हाँ बटरफ्लाई डोर नहीं है इसके, कोई बात नहीं, बट भाई क्या ही OP लग रही है। और नाइट्रो, भाई साहब क्या ही नाइट्रो जा रहा है भाई, खतरनाक देख सकते हो भाई। ये तो भाई लुक्स वाइज तो है ही है, लेकिन भाई इसका अगर आप लोग जानते हो तो DZO अगर आप लोगों ने खेला हो तो भाई कार स्पीड में ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये मजाक से हट गया भाई, स्पीड में भी जो ही भागती है इनिशियल, तो DZO में बहुत ही OP है इसका, मुझे मैं हर DZO के वीडियो में बोलता हूँ। 918 स्पाइडर के बारे में भाई बहुत ही खतरनाक इसका इनिशियल है गेम में DZO में भी, बट भाई इसमें भी बहुत ज़्यादा OP हो गई क्योंकि भाई ये स्पिन में आई है। और गाइस अब आ जाओ इसका साउंड सुनते हैं, रुको मैं स्टार्ट कर देता हूँ पहले, ओके स्टार्ट कर दिया, और स्टार्टिंग से ही साउंड क्या ही खतरनाक आ रहा है, लेकिन चलाते हैं 1 2 3। हाँ भाई ये क्या हो रहा है, रुको साउंड नहीं आया, बस फ्लेम्स ही छोड़ रही है क्या, साउंड कैसे आएगा। अबे अबे
ये क्या हुआ भाई, बस फ्लेम से फ्लेम छोड़ रही है गाड़ी, साउंड क्यों नहीं आ रहा इसका? रुको अभी दबा के रखता हूँ भाई। हो क्या गया गाड़ी को? रुको मुझे भाई, क्या पता नहीं गाड़ी को क्या बुखार चढ़ गया, पता नहीं क्या हो गया। रुको दोबारा से, बस फ्लेम ही फ्लेम छोड़ रही है गाड़ी। रुको वेट अ सेकंड, दोबारा से देखते हैं, अब स्टार्ट करके देखते हैं। रुको उस पर उठा दूंगा इसका, नाइस अब देखते हैं। हाँ अब देखो भाई, अब आएगा साउंड भाई, क्या ही खतरनाक साउंड आ रहा है भाई। साउंड से समझ सकते हो भाई गाड़ी बहुत फास्ट होने वाली है। साउंड सुनो भाई, आ रहा है ना मज़ा भाई, जो ही गाड़ी खतरनाक ही साउंड निकाल रही है, इसी साउंड से ही समझ सकते हो भाई गाड़ी खतरनाक ही भागेगी। बट हाँ यहाँ पे आप लोगों को मैंने गाड़ी दिखा दी भाई, बहुत ही ज़्यादा ओपी है, आप लोग निकाल सकते हो। डायमंड्स आप लोगों को ग्राइंड करने पड़ेंगे, मेरे तो सारे से सारे के सारे डायमंड पता नहीं कहाँ ख़त्म हो गए भाई, समझ भी नहीं आ रहा भाई। सच बताऊँ तो इन स्पिन में से मैंने स्पिन तो बहुत की है, बट मेरे को इनमें से एक भी अच्छी गाड़ी नहीं मिली। मेरे को ना लैम्बो मिली है और ना मुझे पोर्शे, तो मैंने अभी तक स्पिन किया नहीं है, करूँगा ना, मुझे पगानी मिली। मैंने दोनों पे स्पिन किया भाई बट मेरे को मिली नहीं है। बट मेरे पास ये 555 है ना, इन्हीं से थोड़े स्पिन करके देखता हूँ कुछ निकल जाए तो। आई डोंट थिंक कि कुछ निकलेगा। हाँ मुझे पता था भाई कुछ नहीं निकलने वाला, बट एक एक स्पिन कर देख लेते हैं क्या ही जा रहा है। दोबारा से मैं ग्राइंड कर लूँगा। ओ हाँ मैं इनका तो भूल ही गया, वेट रुको, इनको कहाँ यूज़ करना होता है, क्योंकि मेरे पास ये बहुत सारे पड़े हैं। हाँ यहाँ पे कहीं, हाँ यहाँ पे गाइस ये देखो भाई, मैं इन कार्स को निकाल सकता हूँ, मैं इसको निकाल सकता हूँ भाई, एक कार तो निकालेंगे। गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नेक्स्ट वीडियो में उसी कार को निकालूंगा, इनमें से मैं कौन सी कार निकालूं। हाँ आई गेस मेरे पास ये सारी की सारी कार्स हैं, बस मेरे पास ये नहीं है और ना ही मेरे पास ये है। तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना इन दोनों में से मैं कौन सी कार को निकालूं, उसी कार को मैं निकालूंगा। और उसके साथ साथ मैं यहाँ से टिकट्स भी बाय कर सकता हूँ, नाइस। तो मुझे टिकट बाय करनी चाहिए या फिर मैं भाई डॉज वाइपर की यहाँ पे बॉडी किट मिल रही है भाई, ये तो ख़रीदनी चाहिए मुझे। बट वेट यार, ये पहले मैं इनको निकालूंगा, इसको या इसमें से मुझे बताना, क्योंकि डॉज वाइपर मेरे पास है तो नेक्स्ट वीडियो में उसको निकालेंगे, फिर मैं ये बॉडी किट वगैरह खरीदने की सोचूंगा। बट मैं इनको खरीद सकता हूँ, तो इसको खरीद के देखते हैं कितना खरीद सकता हूँ मैं। 3 ही खरीद सकता हूँ क्या? अरे यार फिर तो भाई इतना ज़्यादा फायदे का सौदा नहीं है, एक बार में 3 ही खरीद सकते हैं। बट मैं खरीद ही लेता हूँ यार, क्योंकि मैं डायमंड्स भी ग्राइंड करूंगा उसके साथ साथ, खरीद ही लेते हैं यार, बाद में काम आएंगे ये सब। बट अगर ऐसे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे इस कार में से और इस कार में से कौन सी कार निकालनी चाहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसी कार को निकालेंगे, उसको चेक भी करेंगे, ट्यून वगैरह करेंगे, मज़ा आएगा। बट यार अभी खैर चलते हैं भाई अंदर, थोड़ा रेस वगैरह करते हैं, एक आध रेस करके थोड़ा सा वार्म अप होते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। और आज मैं सोच रहा हूँ कि भाई आज मैं खेलूँ ये पुलिस वाली रेस, पुलिस वाली में मज़ा आएगा, तो इसी को स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि भाई बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है इसको कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना है, और मैंने ये अभी तक बिल्कुल भी बहुत ही कम खेली है, तो इसको आज मैं खेल कर देखता हूँ और पता करते हैं भाई कैसे इसमें क्या क्या करना है, क्या क्या सीन है इसका। तो स्टार्ट होने दो पहले रेस को, फिर देखते हैं। ओके यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, अब पूरा खेलेंगे भाई, पता करते हैं इसमें क्या सीन है क्या नहीं है, कैसे करके बचना है, क्योंकि जितना मेरे को पता है पुलिस से बच के, क्योंकि मैंने NFS मोस्ट वांटेड बहुत खेला है, उसमें मैंने भाई ये पुलिस वाला सीन, पुलिस चेजिंग बहुत किया है, और उसमें भाई बस एक कूल डाउन वाली जगह पर जाना पड़ता है पुलिस से बच के, और थोड़ा सेकंड्स वहाँ पर रुकना पड़ता है, फिर हम जीत जाते हैं। तो इसमें देखते हैं वो सीन है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई, भाई पूरे शहर में पुलिस ही पुलिस घूम रही हैं और यहाँ पे कुछ बंदे भी भाग रहे हैं भाई, खतरनाक ही भाग रहे हैं बंदे, तो पुलिस वाले भी भाई बिल्कुल मौका नहीं छोड़ रहे, एकदम आसपास ही घूम रहे हैं। बट कोई नहीं, जल्दी से मैं पहुँच जाऊँ पहले भाई, 16 सेकंड इतनी ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें पहुँचने का भाई, बंदों को हल्के में मतलब यार, खतरनाक ही बंदे हैं। बट हाँ यहाँ पर हम भी आ चुके हैं और अब हम भी थोड़ी बहुत पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ते हैं, चलो। और भाई इसको कोई सीरियस मत लेना, ओके, मैं बस गेम की बात कर रहा हूँ, गेम में, क्योंकि वी रिस्पेक्ट आर सोल्जर्स, आर पुलिसमैन, वी रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। तो रियल लाइफ में कोई भी इसको ट्राई मत करना गेम को देख के, ये बस गेम है, तो गेम को गेम की तरह ही लेना। और यहाँ पे मैं इतना ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, जल्दी से भाई, एक साइड में पुलिस वाला तो है यार, मैं पहली बार खेल रहा हूँ सच बता रहा हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान से खेलना पड़ेगा। यहाँ पे टॉर्नेडो क्यों आ रहे हैं भाई, बताओ यार, पुलिस वालों से बचूँ के आधी तूफान से बचूँ, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। बट कोई नहीं, यहाँ तक हमें आना था, तो यहाँ पे आ जाते हैं पहले, ओके अंदर चलते हैं, नाइस। तो अंदर तो हम आ चुके हैं और यहाँ पे यहाँ पे तो भैया पूरी कमेटी जुड़ी हुई है, कार ही कार है भाई यहाँ पे तो, और यहाँ पे से आधी से ज़्यादा कार्स मेरे पास है,
और देख कर ही पता चलना है भाई, कोई अमीर बंदा नहीं आया, सबके सब गरीब आए हैं यहाँ पे, सबके सब भाई ग्राइंड करने वाले आए, कोई अमीर नहीं आया है। अमीर आया भाई, अमीरों को आने की जरूरत भी नहीं है, सबके सब ग्राइंड करने वाले ही आएंगे, इनको भाई सबको ग्राइंड करना होगा गेम में, क्योंकि अमीर वाले बंदे तो भाई बस गाड़ी निकाल लेते हैं और भाई अपना शो ऑफ करते रहते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने पोर्चे वाला बंदा देखा होगा। तो आप भाई यही होता है भाई हम जैसे लोगों के साथ, भाई हमें ही ग्राइंड करना पड़ता है, बट कोई नहीं। यहाँ पर भाई क्या ओपी सीन लग रहा है ये, और पुलिस वालों की भी आवाज़ आ रही है, डंडे पड़ने वाले हैं, निकल जाओ, उसी से पहले लाठी चार्ज हो जाएगी, निकलते हैं जल्दी से। ओके, पुलिस वालों की गाड़ी हमारे पीछे है, उससे पहले हमको ये रेस जीतनी है। भाई क्या ही भाग रहे हैं ये, जैसे स्कूल से अभी छुट्टी हुई हो, देखना भाई जेल से कैदी छूट के भाग रहे हैं, देखो पुलिस वालों से पहले निकलना। और बंदों को कर सकते हैं क्या हम ये? नहीं, बंदों को नहीं कर सकते, बस पुलिस वालों के लिए शॉक वेव है, बंदों के लिए नहीं है। भाई उस बंदे ने किया तो मुझे लगा कि हम बंदों को भी शॉक वेव दे सकते हैं, बंदों की भी गाड़ी तोड़ सकते हैं। थोड़ी देर के लिए तो दिल मुंह में आ गया था कि इसने तो मेरी गाड़ी तोड़ ही दी। अभी ये क्या हुआ? अभी अपनी कार रेड रेड हो गई थी। भाई कुछ तो होता है यार इस शॉक वेव से आई गैस, बट कोई नहीं, पहले इस रेस को जीतते हैं, फिर आई गैस इस रेस को जीतने के बाद पुलिस वाले हमारे पीछे पड़ेंगे, तो फिर हमें उनसे बचना पड़ेगा। और यहाँ पे तुम्हारा भाई जीत भी चुका है बहुत ईजिली। हाँ मैंने बोला था ना, अब पुलिस वाले अपने पीछे पड़ेंगे, तो अब हमें भागना है। देखो मेरे पीछे जस्ट पुलिस वाला है, अभी ये मुझे चेस करेगा, अब मुझे इससे बचना है, तो ये सीन है। बट रुको, अभी मैं इसको शॉक वेव देता हूँ, आने दो। ओके, अरे कुछ नहीं हुआ इसको, रुको बच गया भाई जस्ट। भाई इसको कुछ हुआ? अरे भाई कहाँ से, तू कहाँ से आ गया? देखो भाई, देखो नल लोगो भाई, मैंने रिस्पॉन कर दिया, बंदे भाई एक दूसरे में टकराए हुए उसी जगह पे। अब शायद मेरे को कोई कूल डाउन के लिए जगह ढूंढनी है उनके आने से पहले। यहाँ पे काम चलेगा क्या? ये तो कुछ नहीं है, कूल डाउन के लिए कोई जगह नहीं है क्या? यहाँ पे छुपना पड़ेगा यार इनसे। रुको मैं टनल वगैरह के अंदर जाता हूँ, क्योंकि हमने NFS मोस्ट वांटेड पे टनल वगैरह के नीचे ही मिलती थी वो जगह जहाँ से हम पुलिस वालों से बच सकते थे। यहाँ शायद पुलिस वाले ना आ पाए, या यहीं पे आ रहे हैं। भाई निकलने दो यहाँ से। तो भाई मैं, मुझे लगा भाई यहीं पे यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, तो शायद से इस पे कूल डाउन का सिस्टम नहीं है गाइस। देखो यहाँ पे रुकता हूँ, कोई आ रहा है क्या? देखो भाई उसको देखो, अरे हेलीकॉप्टर है वो। भाई मुझे लगा था कोई गाड़ी हवा में उड़ गई, हेलीकॉप्टर था भाई, हेलीकॉप्टर भी है इसमें, मेरे को पता नहीं थी, बट कोई नहीं। और बहुत ही जल्दी भाई इसमें बाइक आने वाली है, तो मज़ा आएगा। बट अभी तो खैर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा भाई किधर जाना है। अच्छा इस पर क्लिक करना है। ओके भाई, इतनी देर से साइड में ही था, मैंने क्लिक भी नहीं किया, बट हाँ अब जाना है शायद उस जगह पे। देखो वहाँ पे जो दिख रहा है ना सिंबल सा, अब उस तरफ जाना है। आई गेस कंप्लीट हो गया, क्योंकि मेरे को पुलिस वालों से बचना था, वो मैं बच चुका हूँ। अब कोई पुलिस वाला तो नहीं दिख रहा है, हाँ कोई पुलिस वाला नहीं है, तो कंप्लीट हो गया आई गेस। बस अब मुझे उस तरफ और जाना है, जाना भी है कि नहीं पता नहीं। हाँ कंप्लीट हो चुका है। रुको अभी मैं इसके पास रुकता हूँ, कुछ कहेगा क्या ये? रुको इसको उड़ाता हूँ मैं। भाई हैं कितने आगे भाई ये, भाई अपनी हेल्थ बिल्कुल इन्होंने बहुत ही कम कर दी है। बट हाँ आई गेस हम उस वाले को तो जीत चुके हैं, और अब शायद से मुझे इधर जाना है क्या? इधर नहीं, ओके इधर रुक जाता हूँ। ऑलराइट, तो शायद से अब हम जीत चुके हैं। हाँ तो बस, तो आज ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, वही NFS मोस्ट वांटेड वाला सीन है, तो वो आप लोग देख चुके हो। जैसे तुम्हारा भाई जीता वैसे ही आप लोगों को भी जीतना है, कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं इसमें। बता गाइस मैं जाता है आज की वीडियो के लिए, कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसी लगी, नई कार कैसी लगी, और आप लोग खेल रहे हो कि नहीं, आप लोगों ने निकाल दिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और ऐसी गेम प्लेज देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन कर लेना। और अभी खेल में जाने का टाइम हो चुका है, तो अभी से भी आपको फैलाते रहते गाइस, और गुड बाय।